हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस को लिए थे बाइनोमियल थ्योरम का पिछले क्लासेस में, तो अभी फिर से हम लोग चल रहे हैं और हम थ्रू दीज क्वेश्चंस ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स, फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट्स के काफ़ी यूज होते हैं जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड हायर मैथमेटिक्स का ये 11th 12th में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वन और एक्स माइनस वन एक्स माइनस एक्स टू द पावर 1/2 का पावर 10। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट जनरल टर्म निकाल के आप जीरो रख सकते हैं इन टर्म को एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। तो बट यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक्स बहुत सारे जगह में स्प्रेड आउट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और फ्रैक्शंस में भी है। तो क्या यहाँ पर हम लोग अपने पहले के कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं कि नहीं, और वही मैं बताना चाह रहा था कि अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ऑल राइट, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप लोग को क्वेश्चन तो दिखे बट वो तग नहीं कर रहा है मैं बनाने समय। तो ध्यान से देखिए अब यहां पर क्या है बच्चों, कि यहां पर ये टर्म को पहले हम लोग लेते हैं कि एक्स प्लस वन लेते हैं, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 2/3 को तो हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस, यहां पर भी एक्स टू दी पावर 1/3 है, भावनाओं को समझे, राइटिंग पर अभी नहीं जाए, और ध्यान से देखें ये ऐसे हो गया। तो इस चीज को ही पहले सॉल्व करते, तो एक्स टू दी पावर 1 को तो लिख सकते हैं ना भाई, एक्स 1/3 का क्यूब प्लस 1, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में आ जाएगा। तो हमको डिनोमिनेटर को जाना पहचाना सा लग रहा है, इनको कहीं देखा है हम लोगों ने, लेट अस सी एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 1। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन में ए प्लस बी के बाद नीचे वाला टर्म यही आएगा तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो हम चाह रहे थे, एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस का होल क्यूब। तो एक्स टू दी पावर 1/3 को लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी एक्स टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 2/3 इज इंट इट, और माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वन ये लिख सकते हैं, और नीचे में भी एक्स टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 और प्लस वन। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी फाइनली आपको क्या बच गया, एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वन बच गया। थोड़ा राइटिंग सुधार लें भाई, एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वन बच गया, ऑलराइट, ये बच गया। और इधर से भी बहुत आसान है, एक्स टू दी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 1 एक्स टू दी पावर 1/2। यहां पर हम देख रहे हैं इसमें क्या दिमाग लगा जाए, तो यहाँ एक्स टू दी पावर हाफ है, हम एक्स टू दी पावर हाफ अगर निकाल लें तो यहां पर हमें एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन निकल रहा है, तो ऊपर में भी एक्स टू दी पावर कुछ जोड़ तोड़ किया जाए, एक्स टू दी पावर हाफ का स्क्वायर एक्स होगा माइनस वन, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी, देखिए कहाँ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 8th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर हाफ और एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन, ये कट गया, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ एक्स टू दी पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर हाफ, तो अलग अलग कर लेते हैं, ऑल राइट, तो ये कट के वन आ गया। दैट मीन्स देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा टर्म जो है आपका आ जा रहा है एक्स टू दी पावर 1/3 और प्लस वन और फिर माइनस लेंगे बीच में साइन और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर हाफ और ये पूरा का पावर जो है वो 10 है, ऑलराइट। तो नाउ व्हाट विल हैपन, एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1/2 क्योंकि ऊपर जाएगा, तो नाउ दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड, आपको 10 पावर बच गया। अब कितना सिंप्लीफाई होके आ गया ये, एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 10। तो देखिए कहाँ है एप्लीकेशन, कहाँ पर है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब जान लीजिए कि अगर आप सीख के जाएं कहीं पर कि वहां जाने को कहते हैं
यहाँ बुलाने को कहते हैं कम हियर, तो वहां जाने को कहते हैं कि वहां जाके बोलेंगे कम हियर। ये चुटकुला आप सुने ना, तो एप्लीकेशन जब मैथ में पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आप एक्सपोनेंट को अप्लाई कर रहे हैं, 8 का कॉन्सेप्ट, 9 का कॉन्सेप्ट आप जेई में अप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ के बाद से 11th 12th का मैथमेटिक्स से सिंपल, अब क्या जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 10 सी आर नेगेटिव है तो 1 टू द पावर आर ले लेते हैं, ऑल राइट। और फिर ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1/3 टू दी पावर 10 माइनस आर इन टू क्या, इसको बता दे आगे, एक्स टू दी पावर माइनस आर बाई टू यहां पर आ गया। नाउ कहता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का पावर जीरो होगा, यानी ये पूरा पावर जीरो होगा, तो इस पूरे पावर का मैं भी एक्स, अब इसको छोड़ देते हैं, एक्स के पावर को देखें अगर, तो एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर बाई थ्री माइनस आर बाई टू, ये जो है जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, अब नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, लेट अस सी। ओके ओके लेट अस सी, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, मैं एक पेज ऐड कर दिया मैंने, तो मुझे क्या आ गया, x टू दी पावर 1/3 इंटू जो जो x के कोफिशिएंट x टू दी पावर हाफ, यही था इजंट इट। तो यहां पर था इसके साथ 10 माइनस आर और इसके साथ था r, तो हम लोग क्या ले आए थे कि x का जो कोफिशियंट वो क्या आ गया था हमारा 10 माइनस आर बाई थ्री माइनस आर बाई टू, और ये पूरा पार्ट जो है ये पार्ट ये जीरो होना चाहिए, यानी 10 माइनस आर बाई थ्री माइनस आर बाई टू, यानी मुझे एलसीएम 6 आ गया, तो यहां पर आ गया 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करने पर 5r इज इक्वल टू 20, यानी r इज इक्वल टू 4। अब यहां पर भी गूगली है, अगर यहां पर आप चॉइस देखिए, पीछे जाके चॉइस देखें क्वेश्चन में, तो 4 सबसे पहला जान के खड़ा है कि आप उस पर टिक लगा दीजिए, और फिर परसेंटाइल जाके देखिए तो देखिए कि गड़बड़ है वहां पर, क्यों, क्योंकि एक्साइटमेंट में प्रेशर में आपको लगा पहला चॉइस सही आ गया मेरा, खुश हो गए, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट है ना, यहां पर पूछ रहा है आपको टर्म इंडिपेंडेंट, यहां देखिए गौर से, लेट अस सी द टर्म इंडिपेंडेंट, तो टर्म पूछा, टर्म का मतलब है कि आपको यहां पर से आपको फिर से आप एक्सपेंशन में लगाएंगे कि आपको r इज इक्वल टू 4 आया, तो 10 सी 4 एक्स टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस, आपको एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा, लेट अस सी, एक्स टू दी पावर हाफ, तो 4/2। ये देखिए यहां पर ध्यान से, ये देखिए गौर से, तो ये 3 का स्क्वायर है, यानी x का पावर 2 आ गया, और ये x का पावर माइनस 2, यानी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ 0 अब यहां से निकलेगा, यानी इसके सिर्फ कोफिशिएंट को लेना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट में आप जानते हैं, लेट अस ट्राई 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपका आ गया, तो 6 तो गायब हो गया ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 चला गया, यानी आपके पास क्या बचा, 10 9 8 7, यानी इससे आप 6 काट चुके हैं पहले ही, ऑलराइट। अब आपके पास नीचे क्या बचा, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 से कट गया 7, 7 3 जा 21, तो कितना जा 210। अब आप वापस जाके देखिए चॉइस में है कि नहीं, यस 210 है, सो द सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चों मिलते रहेंगे हम लोग, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते बाइनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस, और फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, तो बी इन टच एंड ट्राई टू बी स्मार्टली थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर वो जोक सुनाता आप लोगों को, एक बच्चा अंग्रेजी सीख के एक वर्ड गया घर पे और बोला कि माँ अंग्रेजी सीख गए, किसी को बुलाना होगा तो उसको बोलेंगे कम हियर, तो माँ ने पूछा कि लेकिन वहां भेजना होगा, तो कहा क्या दिक्कत है, वहां जाके बोलेंगे कम हियर। तो ये एक्सपोनेंट्स का भी खेल वही है कि आपको कहाँ कब क्या अप्लाई करना है, वो बहुत जरूरी। एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉन्सेप्ट ऑफ 8, 9, 10th आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग problems of higher mathematics, therefore 8, 9, 10th are very solid foundations of anything, otherwise आप जाके कुछ भी सवाल कीजिए और अपने दिमाग को अगर exercise नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। Thank you.